अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24% के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट है तो ये 0.06% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 2.14% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 1.12% जो है डाउन है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और आज इसकी वैल्यू जो है 30 है और मार्केट के अंदर जो है स्टिल फियर है। तो अब चलते हैं काइन ग्लास डेटा के ऊपर पर और 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर हमारे पास बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर पर BTC के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है तो वो 52.9% के करीब जो पोजीशन है वो लॉन्ग की है और जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन है तो वो 46% के करीब आस पास है। तो अगर आप 15 मिनट्स के ऊपर अगर स्केल पर है, अगर आप अभी शॉर्ट की एंट्री लेते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके पेवर में जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए स्केल पर के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम BTC की क्विक अपडेट को जो है स्टडी करेंगे और मैं इसको अपनी प्रीवियस वीकली एनालिसिस के साथ कंपेयर करूंगा कि प्रीवियस वीक हमारे एनालिसिस क्या थे और उसमें जो है कुछ चेंजेस आए हुए हैं कि नहीं। तो प्रीवियस जो मेरा बायस था और जो मेरी एनालिसिस थी वो मैं आप लोगों को अगेन ड्रा करता चलूँ। एक मिनट इसको सिर्फ ज़रा पहले भी तो ड्रा नहीं हो क्योंकि मैंने एक और राइट जो शोल्डर था वो यहाँ पर बनना चाहिए था। कुछ इस तरीके की हमारी जो प्रीवियस वीकली अपडेट की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो है हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और उसकी जो टारगेट्स थे मैंने आप लोगों को 16 के बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जैसे ही यहाँ पर शोल्डर फॉर्म कर रही थी ये थर्ड एरिया पे जैसे ही डिवीड हुई तो मेरे जो शॉर्ट सेल की पोजीशन थी वो हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के जो पर रूल्स होते हैं हमने आन की और SL यहाँ पर रखी और SL हिट बात ख़त्म। लेकिन अब जो है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का और रिस्क मैनेजमेंट का यही फ़ायदा है कि अगर आपकी एनालिसिस रॉन्ग हो जाए तो कुछ ना कुछ परसेंट के ऊपर पर लॉस एक्सेप्ट करके बात ख़त्म। मैं इस मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, सिंपली मैं यही एक्सेप्ट करूंगा कि मेरे एनालिसिस और बायस जो थी यहाँ पर रॉन्ग थी। तो खैर बिगर पिक्चर के ऊपर पर आप इसे एक डिविएशन भी कह सकती है और आज की जो प्राइस सेक्शन है उसको मैं 4 घंटे और 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर सिर्फ स्लाइटली डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टिल हायर टाइम फ्रेम के ऊपर पर मैं BTC के ऊपर बेरिश हूँ और 16 के मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालाँकि यहाँ से मुझे एक डाउन मूवमेंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक ट्रैप जो है क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और एक ट्रैप जो है स्टिल मैं देख रहा हूँ कि क्रिएट हुआ। तो 4 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर आप लोगों ने सिर्फ इस लेवल को जो है समझना है। यहाँ पर अब हमारे पास जो है एक इम्पल्सिव हाई, फिर उसके बाद जो है लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पर लोअर लो टूट गया और ये जो है एक रेजिस्टेंस बन गया। तो ये वाला जो लेवल है ट्रेंड शिफ्ट करेगा सब टाइम फ्रेम के ऊपर पर। इसको जो है मैं आप लोगों को 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर अभी जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर है, मैक्रो नहीं है ये। तो सब स्ट्रक्चर के ऊपर पर अगर आप लोग इसे देख रहे हैं, ये हमारे पास एक हाइयर हाई, प्रीवियस लो को सपोर्ट हाइयर लो, एक अनदर हाइयर हाई, हाइयर लो, और अब ये हाइयर हाई है। अब प्राइस जो है ये एक स्पेशल रीजन जो है मैंने ड्रा किया हुआ है। अगर प्राइस इन केस इसको तोड़ती है और एक कैंडल क्लोज करती है 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर और अप रवाना होती है तो फिर स्टिल ये 4th डिविएशन जो है और इस बात के अंदर अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर जो है हम अप ट्रेंडिंग में रवाना वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर पर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट तो फिर जो है डाउन साइड पर अगेन जो BTC का टारगेट है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्केलपर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड लाइन तक जो है ये किस तरीके से परफेक्टली जो है मैच हो रहा है। तो BTC का टारगेट स्केलपर्स के लिए होगा 20367 और अगर इन केस अप साइड पे ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होता है तो इसका जो टारगेट होगा वो 24
2.4% के आसपास जो है इसका टारगेट होगा। तो रिस्क वाइज और मतलब फ्यूचर में हम किस तरीके से इसे प्ले करें, तो आप लोगों ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रखनी है। अगर ये टूट जाता है तो आप लोग जो है अपना एसएल जो है इस सपोर्ट के बिलो रख सकते हैं या स्लाइटली इस सपोर्ट के बिलो, और यहाँ पर जो है आप एम करें। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता और प्राइस हल्की सी नीचे आती है तो आप लोग अपना शार्ट की एंट्री लें, एसएल यहाँ के ऊपर रखें और ये वाला टारगेट वन, ये वाला टारगेट टू एम, बात ख़त्म। लेवल टू लेवल प्ले करें, एक छोटा सा स्केल्प है और बिगर पिक्चर के ऊपर पर स्टिल जो है ये एक डाउन पाथ जो है अभी इसी रीजन के ऊपर पर जो है डिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रहा है कि इस रीजन के बाद अगर प्राइस अप जाती है तो ये वाले स्मॉल टारगेट्स, और अगर नीचे आती है तो यहाँ पर टारगेट लेके प्रॉफिट लेके बात ख़त्म। तो लेवल टू लेवल प्ले करें और बिगर पिक्चर के ऊपर पर स्टिल जो है हम एक बियर प्ले के अंदर है, अनलेस अगर डेली की जो कैंडल्स है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और प्राइस अप रवाना होती है तो फिर यहाँ पर हमारे पास सीएमई गैप है। डेली के ऊपर पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक मिनट में, इसको कहते हैं सीएमई गैप। तो यहाँ तक फिर जो है प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिगर पिक्चर के ऊपर पर, जो पोर हो टाइम फ्रेम के ऊपर पर हमें फर्दर क्रॉस कन्फ्रेंसिस के जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं बीएनबी पेयर चार्ट की तरफ। अगर हम एक मिनट एवरेज लाइंस की ले लेंगे, खैर दो पॉइंट स्टिल टच है। तो रेजिस्टेंस बीएनबी के लिए करंटली 264 है, सपोर्ट जो है 251, तो आप जो है यहाँ तक शॉर्ट सेलर जो है 235 तक जो है एम कर सकते हैं। अगर बीटीसी की रेजिस्टेंस जो है वो नहीं ब्रेक कर पाता तो आप लोगों को बीएनबी के प्राइस में जो है यहाँ तक ड्रॉप देखने को मिलेगा, और अगर अप थ्रस्ट आता है तो बीएनबी की प्राइस आप लोगों को 290 और 232 तक देखने को जो है मिल सकती है। इथेरियम करंटली जो है आउट परफॉर्म कर रहा है बीटीसी के ऊपर, इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो हैवी इन्वेस्टर है और ख़ासकर बिल गेट्स जो है इसके अंदर आजकल जो है मतलब इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो डायरेक्टली तो वो नहीं आ रही, लेकिन जो सोर्सेज हैं न्यूज़ हैं वो यही इंडिकेट कर रही है कि वो इथेरियम के अंदर जो है स्लोली स्लोली इन्वेस्ट कर रहे और इसके ऊपर मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर रही है ब्लॉकचेन की। तो इथेरियम करंटली अगर हम इसकी बात करें एक मिनट टाइट रेंज की, करंटली जो स्केल्पर्स के लिए जोन है वो है 1469 से लेकर 1630 के आसपास। तो अगर स्लाइटली ड्रॉप आता है तो इथेरियम आपको रिटेस्ट जोन में जब आएगा तो 1275 की जोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जो गेम कर रही है तो वो इन लेवल्स के अंदर जो है इथेरियम के अंदर प्ले कर सकते हैं। ओपी यूएसडीटी पेयर की अगर बात करें, इसकी कॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी जब इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 0.53, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर डेली की कैंडल हमें क्लोज मिलती है इस रीजन्स की बिलो तो आप लोग जो है फिर एग्जिट करें, लेकिन यहाँ पर इसे एक अच्छा पुश मिला और अब हाईर हाई हाईर लो। तो ओपी की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 1.04, और ये अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो ओपी की प्राइस जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $1 to $2 को जो है जल्दी क्रॉस करके आप लोगों को मज़ीद अच्छा गेन इंशाल्लाह देगी। इनदर जो पेयर है जिसकी कॉल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दी है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा टाइट कंसोलिडेट हो रहा है डेली के ऊपर पर। अगर आप लोग इसे एक मिनट ये आप चेक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका पहला टारगेट जो होगा 1.70 के आसपास और दूसरा टारगेट जो मैं एम करूँगा इसकी स्विंग टारगेट से 1.75, लेकिन इसमें एक वीक लगता है दो, तो सिर्फ ये कंट्रैक्शन जोन के ऊपर है। लेकिन
वेल्स किस तरीके से गेम खेलेंगे इसके अंदर, यहाँ पर एक हल्की सी डिविएशन आएगी 0.72 या 73 के आसपास। एक मिनट में आप लोगों को दिखाता चलो डिविएशंस क्या होते हैं। जब लोग जो है होप हार जाते हैं, प्राइस जो थी यहाँ पर सपोर्ट और अगेन इस प्रीवियस सपोर्ट से हल्की सी बिलो कैंडल क्लोज हुई, लोगों ने सेल अप किया और वेल्स ने एंट्री पकड़ के इसे एक अच्छा खासा पुश दिया। तो सीटी के पैर के ऊपर पर जिन लोगों के अंदर पेशेंस है तो वो सिर्फ पैर लें, और जो छोटे मोटे स्केल पर से अगर वो पोर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर पर इसके अंदर प्ले करना चाहें तो वो फिर प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो है छोटे मोटे स्केल पर, यहाँ पर अभी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो प्राइस एक्शन जो है पोर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर पर इतनी मज़े की नहीं है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सी डी के में आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ लें, आप लोगों को एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। तो नियर जो है अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो चुका है करंटली, इसकी जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी वो पोर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर पर 4.748 डॉलर का जो रीजन था उससे रिजेक्ट, और यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर जो है बन रही। तो आप लोग अगर इस कैन को एक्युमुलेट कर सकते हैं तो लाजमी करें, और इसका जो मेरा पर्सनल और आइडियल टारगेट है वो है $250 से लेकर $300 तक, और ये कोई इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक मिनट, आप लोगों को अभी आइडिया हो जाएगा, एक मिनट, सोल को भी अभी डिस्कस करेंगे लेकिन सिर्फ मैं मंथली चार्ट्स के ऊपर पर। सोल में जो हमारी एंट्री थी, और एक मिनट, यहाँ पर ऑलमोस्ट $6 to $7 के आसपास, तो अगर आप यहाँ पर इसकी प्राइस एक्शन देखें तो बहुत सारे पंप एंड डंप्स हैं, और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया 216 और $230 के आसपास, फिर हमने इसके अंदर छोटे मोटे स्केल्प्स किए और फिर जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% सोल जो था वो हम लोग जो है सेल आउट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं नियर USDT पेयर को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हैं तो आप लोग जो है इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं, और आप ये अब देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपनी एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर है। तो $1 to $2 or $3 तक आप इसे एक्युमुलेट करें, और आप जो है अभी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो है मिनिमम रिस्क के ऊपर है। सोल के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सब टाइम फ्रेम के ऊपर पर इसकी जो प्राइस सेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर पर ये एक अप ट्रेंडिंग पाथ थी जो ये ब्रेक कर चुका है डबल टॉप से रिजेक्ट, और अभी जो है लोअर लो लोअर हाई। तो BTC की प्राइस अगर रिजेक्ट होती है तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अगर सोल के अंदर स्केल्प करने हैं शॉर्ट सेल, और आप लोगों का जो पहला टारगेट है 36 और दूसरा जो टारगेट है वो है 33, तो इन जोन्स के ऊपर पर जो है शॉर्ट सेलर अपने जो छोटे स्केल पर है वो अपने प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं, और आप लोगों का SL जो है वो 44.91 होना चाहिए। ऐसा ना हो आप SL ना रखें और इसे जो है होल्ड करें। तो ये एक छोटी सी क्विक वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।